दोस्तों आज मैं हूँ अपने गांव में, अपने घर में, और लगभग पूरे एक महीने में मैं अपने घर आया हूँ। नए साल से पहली बार आज घर आने का मुझे मौका मिला है, और पिछले लगभग आज 22 तारीख है, तो 22 दिन तक लगातार जिस तरह मैं अपने घर बार, अपने भाई बहन, अपने माता पिता को छोड़कर हम लोग जो हैं टूरिस्ट के साथ चलते हैं, और उनके साथ जब एक दो दिन हो जाता है तो वो भी एक अपने परिवार की तरह लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़कर हमारे साथ आते हैं। तो घर में आज इस समय मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ सुबह सुबह, तो ये देखिए मेरी छोटी बहन के हाथों बने हुए मक्की की रोटी है, और ये नहीं मिलती, और ये जो ऐसी रोटियाँ ना ये मुझे घर में ही मिलती हैं। कटरा में भी मक्की की रोटी नहीं मिलती है, और कहीं हम आगे पीछे चले जाते हैं पत्नीटॉप, शिवकोड़ी, वहाँ पर भी जो है मक्की की रोटी नहीं मिलती है। और जब मैं घर आता हूँ ना तो लिटरली बता रहा हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा ये अपने देसी घी थोड़ा सा डाला हुआ मैंने, तो थोड़ा सा गोभी और सरसों के साग की ये थोड़ी सब्जी बनाई है। इसका कोई टेस्ट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल हो जाते हैं इसके आगे, इस खाने के आगे, इस रोटी के आगे। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मक्की की रोटी को पसंद करते हैं, ज़रा बताना। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत पसंद होगी। अब एक कमी ये है कि लस्सी नहीं है इस समय, तो अदरवाइज चार चांद लग जाते हैं, मगर इसके साथ भी आप लोग देखिए ना, ऐसे करके भी ये जो नज़ारा है ना खाने का सुबह सुबह पहाड़ों में, बहुत मज़ा। ठंड भी है मगर ऐसा खाना खाना चार चांद लगा देता है। ज़्यादातर मैं अपने काम काज से कटरा ही रहता हूँ, उसके बाद टूरिस्ट लोगों के साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं, कटरा आते हैं, तो उनके साथ कभी वैष्णो देवी दर्शन के लिए, कभी शिवकोड़ी के लिए, कभी पत्नीटॉप, कभी कश्मीर। तो आगामी जो है 25 से लेकर 2 फरवरी तक मैं हिमाचल की वादियों में रहूँगा, और सिर्फ 2 दिन के लिए घर आया हूँ। आज कल शाम को पहुँचा था, और आज शाम को मैंने अपनी ये जो देख रहे हैं मेरे से, जो मेरे गांव से अगला गांव सुजनतार पड़ता है, वहाँ तक जो सड़क है, और शाम के वक्त एक ही गाड़ी जाती है जो कि रियासी जाती है, रियासी से फिर मुझे मिनी बस लेकर सीधे कटरा चले जाना है। कल 23 है, कल अपने कपड़े शपड़े धोने हैं और बैग शैग सेट करना है, और 24 की शाम तक मैंने अमृतसर जो है पहुंच जाना है, और 25 से जो है सर्विस शुरू है, और अगले 2 फरवरी तक फिर मैं हिमाचल वगैरह में रहूँगा, फिर 3 फरवरी को मैं वापस अपने कटरा पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह जब ये टूरिज़्म इंडस्ट्री से जितने भी लोग काम करते हैं, दूसरे लोग तो कहते हैं कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है, मगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, जिम्मेदारियों का काम है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, कभी समय हो आपके पास तो कटरा से लगभग मेरा गांव है लगभग 2-2.5 घंटों का रास्ता है, तो 2-2.5 घंटे जाने का। तो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी एक दिली तमन्ना है कि आप लोगों को भी इन पहाड़ों के बीच में जो मेरा छोटा सा घर है, कच्चा मकान है, आपको मैं तहदिल से आमंत्रित करता हूँ इस मक्की की रोटी को खाने के लिए। कभी आप भी टाइम निकालिए, एक दिन का रास्ता है, 3 घंटे यहाँ लग जाते हैं आने में और 2-2.5 घंटे जाने में, और कभी इस घर तक, इस गांव तक आए तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इस मक्की की रोटी जो है ये ज़रूर आपको खिलाएंगे हम लोग, और मक्की की रोटी के साथ चाय तो बनती है यहाँ पे। बाकी जो आनंद घर की रोटी में है वो कहीं भी नहीं है फ्रेंड्स। कल शाम को मैं जब मैं घर में आया तो
इन दिनों तो मेरी ज़्यादातर माँ ही घर में होती हैं, बाकी एक छोटी सिस्टर मेरी, एक की शादी हो गई है, एक अभी कॉलेज में पढ़ रही है, छोटा भाई दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल में काम कर रहा है, और मैं तो एक पिछले 2 सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना, छोटी मोटी जानकारियाँ देना, और इसके साथ साथ व्यवसाय भी जो मेरा जुड़ा है वो टूरिज़्म से ही जुड़ा है। और अब यह है कि फुर्सत नहीं लगती इस गांव में रहने की, वरना बचपन के वो दिन याद आते हैं जब इन गांव के खेतों में हम अक्सर खेला करते थे, और ये रोटियां याद आती हैं बार बार जब हम 10-10, 5-5 दिनों के लिए बाहर रहते हैं घर से। तो जब यहाँ आता हूँ तो फिर मैं ना कोई चपाती खाता हूँ ना चावल खाता हूँ, बस ये मुझे पसंद है तो मक्की की रोटियाँ। तो मेरी छोटी बहन पहले ही जब मैं आता हूँ तो मैं उसे बता देता हूँ कि मेरे लिए जो है आज मक्की की रोटी बनेगी, और ये छोटी छोटी रोटियाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये छोटी छोटी रोटियाँ इस प्रकार से बनती हैं, ये देखिए। और कभी आप भी आइए हमारे इस कुदरत के नज़ारे देखने गाँव में आइए, गाँव का रहन सहन देखिए। प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, लग्जरी सुविधाएं नहीं है, मगर कुदरत की आबो हवा जलवायु देखकर आपको लगेगा नहीं, इस गांव में तो सुकून की सांस है। धन्यवाद।